राव जी, आज मैं कहानी सुना रही हूँ शिवाजी की। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी बालकों को कहानी जरूर सुनाएं। आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो हाव भाव से सुना रही हूँ, आप भी बालकों को हाव भाव के साथ सुनाएं। एक बार क्या होता है, एक गुरुजी होते हैं, उन गुरुजी का नाम होता है समर गुरु रामदास। एक दिन वो क्या करते हैं, सभी शिष्यों को, सभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कुछ समय तक पढ़ाते फिर वो विचार करते हैं कि हम, मेरे को इन छोटे छोटे बालकों की परीक्षा लेनी चाहिए कि जो मैंने इनको सिखाया है वो अब सीख पाए हैं कि नहीं है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक दिन रात में रो क्या कर रहे होते हैं, एक दिन वो क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। सोते सोते वो एकदम से जोर चिल्लाते हैं, आपका पेट कैसे ठीक होगा, आप हमको बताओ, हम अभी आपके लिए वो इलाज करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं, मेरा पेट दर्द है ना, शेरनी के दूध से ठीक होगा। तो शेरनी का दूध, तो कि हाँ, शेरनी के दूध जब जो लेके आएगा उससे फिर मैं क्या करूँगा, मालिश करूँगा, तब मेरा पेट दर्द ठीक होगा, नहीं तो मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होगा, मेरा बहुत जोर का पेट दर्द हो रहा है। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गुरु जी वापस ले जाते हैं। सब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, अरे शेरनी का दूध, अरे शेरनी का दूध, शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, इतनी रात को जंगल में कौन जाए। सब तो बच्चे, सब बालक एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। जितने में एक भैया होता है, वो क्या होता है, खड़ा हो जामो चुपचाप खड़ा होके जंगल में जाने के लिए रवाना होता है। पहले क्या कटोरा, दूध का कटोरा लेता है और वो जंगल जाता है, जंगल जाता है, जाता है, घूमकर जाता रहता है, 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 जाता रहता है। उधर क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ होता है, उस पहाड़ के नीचे छोटी सी गुफा बनी हुई, उस गुफा के नीचे एक शेरनी बच्चे को शेरनी बैठी हुई होती है और वो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं। शेरनी, शेरनी के पास वो बालक जाके खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ते खड़ा हो जाता है। शेरनी को कहता है कि मुझे गुरुजी के लिए दूध चाहिए, लेकिन शेरनी क्या करती है, उस बालक को देख के चिल्लाती है, गुर्राती है, दहाड़ती है, लेकिन जो बालक होता है वो डरता नहीं है और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और निवेदन करता है, हे माँ भवानी, मेरी तुम मदद करो, मैं शेरनी गुरु जी के लिए दूध लेने आया हूँ, मुझे शेरनी का दूध चाहिए। तो शेरनी देखती रहती है कि बालक तो डरता ही नहीं है, फिर वो कटोरे से उसको फिर वापस निवेदन करता है कि मुझे दूध दे दो। तो शेरनी क्या करती है, वो अपनी पूंछ ऐसे पीछे से हिलाती है और गर्दन भी हिला के कहते हैं, हाँ मेरा दूध ले लो। फिर शिवाजी क्या करता है, फटाफट शेरनी का दूध निकाल लेता है। शेरनी का दूध निकाल के वो धन्यवाद कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गुरु जी को, गुरु जी के लिए दूध दिया है। फिर वो लेके दूध का कटोरा अब वापस अपने गुरु जी के आश्रम में आता है। जैसे ही गुरु जी के आश्रम में आ रहा होता है कटोरा लेके, तो सारे बालक पूछते हैं, बालक कौन है जो दूध लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। सब बालक इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं उसके हाथ में कटोरा होता है, उसके अंदर दूध भरा हुआ होता है। वो गुरुजी को ले जाकर देता है, लो गुरुजी मैं आपके लिए देखो शेरनी का दूध लेके आया हूँ। गुरुजी सुबह होते हैं, एकदम सो रहे होते हैं, एकदम सोते हैं और कहते हैं, अरे बेटा तुम मेरे लिए दूध लेके आए। तो हाँ गुरुजी, मैं दूध लेके आया हूँ, मैं शेरनी का दूध लेके आया हूँ आपके लिए, लो इससे मैं आपकी मालिश करता हूँ तो आपकी पेट दर्द ठीक हो जाएगा। गुरु जी कहते
बालक हो जो ना इस परीक्षा में पास हुए हैं, पास हुए हो तुम सब। तुम जब बड़े होंगे तो तुम बहुत बड़े राजा बनोगे और तुम बड़े होकर छत्रपति के नाम से पहचाने जाओगे। वो छोटा सा बालक, मैं बताऊं आपको कौन है, वो बालक है शिवाजी। ये छोटा सा बालक है जो आश्रम में गुरुजी के लिए दूध लेने जाता है और डरता भी नहीं है। उस जो कटोरी का कटोरी में शेरनी का दूध लेके आता है वो होता है शिवाजी। जो जब फिर वो बड़ा हो जाता है तब वो शिवा छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है।